हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जबलपुर मंडी में आज आम की बिक्री की मात्रा बढ़ गई है। मंडी के व्यापारी अशरफ भाई ने बताया कि जबलपुर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बादाम आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम गुजरात से जबलपुर मंडी में आम आ रहे हैं और पूरे महाकौशल में आम की बिक्री हो रही है। जबलपुर से आशीष महोबिया की रिपोर्ट। जैसा कि भैया अभी मौसम चल रहा है आम का और आम कह रहा था फलों का राजा, और अभी सबसे ज़्यादा आम जबलपुर में आ रहे हैं, तो कौन कौन से किसके किस्म के आम आ रहे हैं और किसकी खपत ज़्यादा है? अभी सबसे ज़्यादा आम की खपत बादाम की है जी, जो आ रही है अभी आंध्र से और तमिलनाडु जी। सबसे ज़्यादा आम की खपत बादाम की जी। अभी कितने प्रकार के आम मतलब जबलपुर में आ रहे हैं? अभी बादाम आ रही है, दशहरी आ रही है, लंगड़ा आ रहा है, तोतापरी आ रहा है, इन आमों की खपत ज़्यादा है। और अभी गुजरात का केसर और हापुस भी आ रहा है जी। अभी ये वैरायटी आम की चल रही है जी। अभी अगले हफ्ते से नीलम की भी आवक तेज़ी से बढ़ जाएगी जी। जबलपुर से और आम कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है? जबलपुर से आम की सप्लाई लगभग महाकौशल में जाता है, पूरे महाकौशल में। महाकौशल में अभी आम के रेट वगैरह क्या? अभी आम के रेटों में गिरावट आई है जी, क्योंकि आम की फसल इस बार अच्छी है जी, तो आमों के रेट में गिरावट आई है। अभी जैसे कि बादाम आम है जो मार्केट में 40-42 रुपये किलो बिक रहा है जी। दशहरी 40-50 रुपये किलो की पोजिशन है बिल्कुल। तोता 25-35 रुपये किलो की पोजिशन है। तो आम की आवक निरंतर बढ़ रही है और पोजिशन अभी लगभग 15 दिन तक ऐसी है। अभी कितने दिन और आम अभी कितने आएगा? अभी अभी आम लगभग मेरे हिसाब से 1.5 महीने आम अभी और चलेगा। 1.5 महीने और चलेगा। नाम आपका? नाम बताएं। अशरफ भाई।